यूपी में गर्मी में लू के कहर से जनता को बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सतर्कता बरतने के आदेश दिए हैं। अफसरों से सीएम योगी ने कहा है कि प्रदेश में हर स्तर पर बचाव के इंतजाम कर लें, लू के लक्षणों और उससे बचाव के लिए आम जनों को जागरूक किया जाए, राहत आयुक्त कार्यालय के स्तर से मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी नगर निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ रखवाए जाएं, बाजार में मुख्य मार्गों पर जगह जगह पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस कार्य में सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाना चाहिए। सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव भी किया जाए। पानी की कमी से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से आपूर्ति सुनिश्चित कराई जाए। भीषण गर्मी के बीच बार बार घंटों की बिजली कटौती से बरेली में हाहाकार मचा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजली कटौती पर बेहद सख्त हैं। इसके बाद भी बरेली में बिजली कटौती नहीं रुक रही। ओवरलोड के कारण बार बार ट्रिपिंग से लोग परेशान हैं। हालांकि अधिकारी बराबर सप्लाई जारी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उल्टी है। भीषण गर्मी में रात के समय घंटों बिजली कटौती से बासिंदे परेशान हैं। बता दें कि लोकल फॉल्ट या मरम्मत के नाम पर शटडाउन लेने पर सीएम योगी ने रोक लगा दी है, लेकिन हालात इसके बाद भी नहीं सुधर रहे। बरेली में पिछले 3 दिन से घर से लापता महिला का शव गन्ने के खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के कुलचा शाही में सड़क किनारे गन्ने के खेत में महिला का शव बरामद किया गया। हत्या के बाद शव को जलाने की भी कोशिश की गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के साथ रेप की आशंका जताई गई है। शाही क्षेत्र के एक गाँव की 43 वर्षीय महिला घर से दवा लेने गई थी, लेकिन उसके बाद नहीं लौटी। बाद में उसका शव बरामद हुआ। पुलिस कातिलों की तलाश में जुटी है। बरेली में आज मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और लू के और तेज धूप के बीच आसमान में बादल छाए और आंधी जैसी तेज हवाएं चलीं। अचानक मौसम के बदले रुख से गर्मी में कुछ राहत महसूस की गई। तेज हवाओं का आनंद लेने लोग सड़कों पर निकले। गर्मी से परेशान लोग कुछ देर के लिए घरों की छतों पर भी दिखाई दिए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार बरेली समेत आसपास के इलाकों में आगे कुछ बारिश की संभावना है। बरेली कॉलेज के कक्ष में आग लगने से हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीकॉम ऑनर्स विभाग के स्टोर में आग लगी थी। इस बारे में अग्निशमन विभाग के इंस्पेक्टर संजीव कुमार यादव ने बताया कि स्टोर रूम में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रद्दी ने आग पकड़ ली। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। बरेली के नवाबगंज में खेत की मेड़ के विवाद में वो झगड़े में किसान के ऊपर एसिड से हमला कर दिया गया। पंडरी गांव के रहने वाले कालीचरण का गांव के श्याम बिहारी से खेत की मेड़ को लेकर विवाद चल रहा था। कालीचरण खेत में अपने गन्ने की फसल देखने गया था, इस बीच उस पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि मारपीट के बीच श्याम बिहारी ने साथ लाया तेजाब कालीचरण पर फेंक दिया। वो गंभीर रूप से झुलस गया। पुलिस मामले में कार्रवाई में जुटी है। बरेली में दहेज की मांग पूरी न होने पर बाउंसर ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा। बीच बचाव करने आई बहन से भी मारपीट की। बारादरी के सकलेन नगर निवासी सब्बू की शादी वसीम की बेटी से 6 माह पहले हुई थी। सब्बू एक प्राइवेट कंपनी में बाउंसर है। शादी के बाद से ही सब्बू दहेज में बुलेट बाइक की मांग कर रहा था। मोटरसाइकिल न मिलने पर नाराज सब्बू ने पत्नी को जमकर यातनाएं दी। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। बरेली में मदद के बहाने नजदीकी बनाकर महिला को कोल्ड ड्रिंक में नशा दे दिया गया और उसके साथ हैवानियत की गई। महिला का अश्लील वीडियो भी बना लिया गया। आरोपी अब महिला को अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल कर रहा है। बारादरी थाना क्षेत्र की महिला ने कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत की है। उसने बताया कि आरोपी आजम उसे काफी समय से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। बरेली के थाना भमोरा इलाके में एक सौदे ने छात्रा का चेहरा एसिड से जलाने की धमकी दी है। सौदे की धमकी से छात्रा आतंकित है और उसने घर से निकलना भी बंद कर दिया है। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। आशा कार्यकर्त्री की बेटी ने क्षेत्र के ही वेज बिरयानी विक्रेता पर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी सत्यम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोप है कि स्कूल जाते समय युवक छात्रा का पीछा करके छेड़छाड़ करता था और विरोध पर उसे तेजाब से जलाने की धमकी देता था।
बरेली में दूसरे समुदाय के युवक से शादी करने जा रही महिला दरोगा बिना परमिशन के थाने से गायब हो गई है। सीओ के ओआर में भी महिला दरोगा नहीं पहुंची, जिसके बाद अब गायब हुई महिला दरोगा पर विभागीय कार्रवाई की तलवार लटक रही है। मेरठ में किला परिक्षेत्र थाना इलाके की रहने वाली दरोगा सुभाषनगर थाने में तैनात है। महिला दरोगा ने बहेड़ी निवासी दूसरे समुदाय के युवक से शादी के लिए अर्जी दी है। वहीं दरोगा के भाई ने महिला का ब्रेन वॉश किए जाने का आरोप लगाते हुए लव जिहाद का मामला बताया है और एसएसपी से शादी रुकवाने की गुहार लगाई है।